Assalamualaikum. आज मैं बनाऊंगी समोसे तो समोसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी डो बनानी होगी तो उसके लिए मैंने दो कप मैदा लिया है वन टीस्पून नमक लिया है और वन टीस्पून अजवाइन लिए सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फोर टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे आप घी भी ऐड कर सकते हैं समोसे की डो बनाने के लिए हमें ऑयल या घी हम डो के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है पानी कम यूज़ करना होता है तब हमारे समोसे ज़्यादा बेहतर बनते हैं तो अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी ऑयल को डो के साथ या घी होना चाहिए कि हम इसको अगर इस तरह करें तो ये आप इसमें इस तरह चिपक सकते चिपक सके तो साथ साथ हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना वरना हमारी डो इससे ज़्यादा ढीली हो जाएगी हमने इसे सख्त सख्त गूंदना है तो इसी तरह में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को बनाती जाऊंगी तो ये देखें डो इस फॉर्म में आ चुकी है अब मैं इसको दस से पंद्रह मिनट के लिए अच्छी तरह से घूंढ लूँगी इस तरह अच्छी तरह से हमने इसे गूंदना है और ये देखिए मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे गूंद लिया है अब मैं हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करके और इसका पेड़ा बना लूँगी डोका और इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कवर करके इसे रख देंगे और इतनी देर में हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे स्टफ़िंग के लिए हमें मेकरोनी लेंगे मेकरोनी मैंने डेढ़ कप लिए और वन वन कप मैंने आलू और चने ले लिए हैं चॉप किए हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्ची लिए मैंने प्याज़ लिए मैंने बड़े साइज़ की चॉप की हुई मेथी लिए मैंने वन वन टे, टे, टेबल स्पून वन टेबल स्पून सूखा धनिया वन टेबल स्पून ज़ीरा डेढ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है वन टेबल स्पून मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी लिए तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें प्याज़ ऐड कर देंगे प्याज़ों को हमने ओवर कुक नहीं करना गोल्डन या गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना बस इसका कच्चा पन खत्म करना है तो प्याज़ों का कच्चा पन खत्म हो चुका है और अब मैं इसमें चॉप किए हुए लहसुन अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी और इन्हें भी हम अच्छी तरह से फ़्राई कर लेंगे भून लेंगे और साथ ही इसमें मसाले ऐड कर दूंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें बॉईल हुए हुए चने ऐड कर देंगे चने भी हम इसके मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तकरीबन तो दो से तीन मिनट के लिए तो चने हमारे फ्राई हो चुके हैं अब मैं इसमें मेकरोनी ऐड कर दूंगी मेकरोनी को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मसाले में भून लेंगे तो ये अच्छी तरह से भुन चुके अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी आलू को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और इस तरह हम चम्मच की मदद से इन्हें मैश भी करते जाएंगे साथ साथ तो स्टफ़िंग हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है अब मैं इसमें हरा धनिया ऊपर डाल दूँगी बस हल्का सा हम भी इसको मिक्स कर लेंगे सब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, डस्ट करूँगी और ये पेड़ा लिया मैंने थोड़ा सा और इसे हम बेल लेंगे तो बेलना लेंगे और इसे अच्छी तरह तो से बेल लेंगे तो मैंने बेल लिया, है अब मैं इसको एक कटर लूँगी पिज़्ज़ा कटर और इसे इस तरह कट कर लूँगी अब हम इसकी शेप बनाएंगे इस तरह पानी के अंदर थोड़ा सा मैदा मिक्स करके रखेंगे और इसे इस तरह लगाते जाएंगे ताकि ये उखड़े नहीं फ्राई करने के टाइम तो बस अब हम इसको इस तरह करके रखेंगे इसके अंदर स्टफिंग ऐड कर देंगे ये स्टफिंग ऐड कर ली मैंने और अब हम इसे भी बंद कर देंगे और इसके अंदर भी हम मैदा और पानी ऐड कर लगा देंगे और इस तरह हमने पक्का कर लेना है ताकि ये फ़्राई करने के टाइम स्टफ़िंग इसकी ना निकले तो अब मैं फ़्राई कर लूँगी ऑयल को हमने गरम कर लेना है और गरम ऑयल में हम इसको समोसों को ऐड कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें पकाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल को हमने गरम नहीं करना इस तरह समोसे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लिए मैंने दूसरी साइड से भी हम इन्हें पकने देंगे और बस ये फ्राई हो चुके हैं अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे तो तैयार हैं हमारे समोसे इसी तरह मैंने सब फ्राई कर लिए थे